Hello friends, welcome to my channel Madhav Education. Today I will discuss about you a short poem. I led my Sylvia to a grove by Aphraben. Tar critical appreciation ba saransho chalantu padhiba ebong bujhiyau chesta kariba. Aphraben was an English poet and playwright of the Restoration era. She broke cultural barriers and served as a literary role model for later generation of women authors. आफ्राबेन जणे इंग्राजी कवि एवं पुनरुद्धार जुगर नाटक राइटर थिले। से सांस्कृतिक प्रतिबंधक भांगी परवर्ती पीढ़ीर महिला लेखक मानक पई साहित्यिक आदर्श भावरे कार्य करथिले। सी हाड रिटेन मेनी फेमस प्लेज। से अनेक प्रसिद्ध नाटक लेखिथिले। अपार्ट फ्रॉम इट सी हाड रिटेन मेनी पोएम्स। यह व्यतीत से अनेक कविता मध्य लेखिथिले। सम फॉर पोएट्री कलेक्शन आर ए भयागी टू द आइसलैंड ऑफ लव, ए भयागी टू द आइसलैंड ऑफ लव, द लवर इन फैशन एटसेट्रा। ताकर किसी कविता संकलन हो भयागी टू द आइसलैंड ऑफ लव, द लवर इन फैशन इत्यादि। मोस्ट ऑफ हर पोएम्स आर बेस्ड ऑन थीम ऑफ लव। ताकर अधिकांश विषय वस्तु भल पाइबा उपर आधारित। आई लेड माइ सिल्वर टू ए ग्रोव इज ए स्मॉल पोएम ऑफ आफ्राबेन। आई लेड माइ सिल्वर टू ए ग्रोव हेउची आफ्राबेनकर छोट कविता। इट इज इन द फॉर्म ऑफ लव सॉन्ग। यह एक प्रेम गीत आकार रे रहिची। द स्पीकर ऑफ द पोएम टेल्स अबाउट हिज लव रिलेशन विथ सिल्विया हिज बिलव्ड। कविता रे वक्ता तांको प्रिय सिल्वियांक सह तांकर प्रेम संपर्क विषय रे कुहंती बा कहिचंती। द लव एंड रोमांस बिटवीन द स्पीकर एंड हिज बिलव्ड इज द मेन थीम ऑफ द पोएम। वक्ता एवं तांको प्रियांक मध्य रे प्रेम ओ एवं रोमांस हेउची कवितार मुख्य विषय वस्तु। तबर फर्स्ट अंजा देखिया बुझिबा को चेष्टा करिबा। इन द फर्स्ट अंजा द स्पीकर टूक हर बिलव्ड सिल्विया टुवर्ड्स ए ग्रोव व्हेयर दे कैन बी देमसेल्व अवे फ्रॉम द मीन वर्ल्ड दैट वुड जज एंड एक्यूज देम फॉर फॉलिंग इन लव। प्रथम स्तर रे वक्ता तांको प्रिय सिल्विया को एक ग्रीव आड़ को नहीं गले जोठार से निज दुनिया दूर रही पारे जहाँ से मानू प्रेम पड़ थार अभोग कर लाइम्ब अफ वन अफ दोज ट्रीज हाइट देम आज दे टुक सेल्टर अंडर द ग्रोव। से ही गछगुड़ी मध्य गोटे अंग से लुचाई रखिला जेतेबेले से गछ तले आश्रय नहीं थिले। द सनरेज वेयर चोक्ड बाय द कनोपीज फॉर्मड इन द ट्रीज दो इट डिड नॉट कंप्लीटली बिट्रे द लवर्स। गछरे सृष्टि होइतिबा कांथ द्वारा सूर्यकिरण छापी हो जाइथिला जदियो एहा प्रेमी जुगुलंकु संपूर्ण विश्वासघातकता करिनथिला। द लवर्स वेयर फार अवे फ्रम द आईज अफ ह्यूमान्स दैट वुड जस्ट इंडिक्ट देम फर फलिंग इन लव। प्रेमीजुगल मनीषर आखिटारू बहु दूर थिले जहाँ से मानू प्रेम पड़ थार अभोग कर। नो फियर वाज एलाउड टू एंटर द ग्रोव एंड रुइन देयर कन्फिडेंटली। कौन सी भय ग्रीव्रे प्रवेश करी से मानकर गोपनीयता नष्ट करिया को दिया गला नहीं। दे आर टू इनोसेंट लवर्स मेडली इन लव। से माने दुई निरीह प्रेमी थिले प्रेमरे पागल। द विंड अल्सो सोड इट प्रेजेन्स बाय स्लोली किसींग द लिम्स फ्रम द ट्रीज बट विदाउट इंट्रोडिंग द कपल्स प्राइवेसी। पवन मध्य गछर अंग को धीरे धीरे चुंबन दे निजर उपस्थिति देखाइला किंतु दंपती गोपनीयता को अनुप्रवेश नकरी। ओके एबे आमे देखिबा सेकेंड स्टांजा। तो सेकेंड स्टांजा है द सेकेंड स्टांजा गिव्स अस ए क्लियर व्यू ऑफ द फिजिकल इंटीमेसी दैट द टू लवर्स शेयर्ड अवे फ्रॉम द वर्ल्ड। द्वितीय स्तर रे आमे शारीरिक आमको शारीरिक निबड़तार निबिड़तार एक स्पष्ट दृश्य दे था जहाँ दुई प्रेमी दुनिया दूरे जाते। द लवर्स आर सिटिंग अपन द मॉस एंजॉयिंग देयर प्राइवेसी लिविंग ए फ्री लाइफ एडमिस्ट ए ग्रुप ऑफ ट्रीज दे आर सिल्डेड देम फ्रम द होल्ड वाइल्ड वर्ल्ड।
प्रेमी माने मॉस ऊपर बसी निजर गोपनीयता को उपभोग करुछंती एक वृक्ष मध्यरे एक मुक्त जीवन जापन करुछंती जहाँ सेमानंकु समग्र विश्वर रक्षा करिछि। दिस इज ए मोमेंट ऑफ शेयर प्राइवेसी एंड फिजिकल एंड इमोशनल वार्मथ बिटवीन द टू लवर्स। दुई प्रेमी जुगलंक मध्यरे एहा एक गोपनीयता एवं शारीरिक एवं भावात्मक उष्मतार एक मुहूर्त। द स्टांजा पुट्रेज द लवर्स कर्नल डिजायर्स फॉर इच अदर। एही स्त्री प्रेमिकार काफ परस्पर पाई इच्छा को चित्रण करुछि। देयर इज ए टोन ऑफ इमेंस हैप्पीनेस एंड सैटिस्फैक्शन बिकॉज द लवर्स कैन फ्रीली पुट फोर्थ देयर लिबिडिलस वर्क्स फ्रीली विदाउट बीइंग अप्रेंसिव और फियरफुल। सेठारे एक अपार सुख एवं संतुष्टिर एक स्वर अच्छी कारण प्रेमी जुगल मुक्त भाव से मुक्त भाव से मुक्त उत्साह को मुक्त भाव प्रकाश करें। ओके देखा द स्पीकर प्लांटेड ए किस ऑन सिल्विया फेस एंड सी रेसिप्रोकेटेड विथ द सेम फेवर। वक्ता सिल्विया मुहरे एक चुंबन लगे एवं से सम्मान उत्साह सहित प्रतिज्ञा कले। द स्पीकर फर्दर गिवस ए हिंट अफ ए लट अफ लट मोर कर्नल आक्टिविटीज दैट द टू लवर्स इंडल्ग देमसेल्व इन। वक्ता आहुरी अनेक सांप्रदायिक कार्यकलापर सूचना देखते जहाँ दुई प्रेमी जुगल निज को उत्साहित करते। बट ही डज नॉट वांट टू रिवील इट ओपनली किंतु से हेया को खोलाखोली भाव प्रकाश करिया को चाहू ना। तबे एठी हमर सेकंड स्टैंडर्ड सरी थर्ड स्टैंडर्ड आउ गोटे भिडियो आम डिस्कसन करवा यह हूँ आईलेट माइ सिल्वर टू ए ग्रुप सर्ट समरी। आपण मैंने यदि परीक्षार पढ़े ब्रीफ समरी आपण मैंने यहाँ लिखिपारे आराम से बढ़िया स्कोर करेंगे। ओके तो आउ गोटे भिडियो थर्ड स्टैंडर्ड डिस्कसन करवा। एबे रहिली थैंक्स।